पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, ऐसे में हम में से काफी लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में जो हमारा खाना और नाश्ता होता है ना, वो काफी हेल्दी हो। इसे बनाने में कम मेहनत, कम सामान और सबसे बड़ी बात, उसका टेस्ट ना औसम हो। इस नाश्ते को हम सभी लोग बनाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस नाश्ते को बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका नाश्ता और भी कई ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना, तो जिसके लिए मैंने 1 कटोरी भर के साबूदाना ले लिया। मार्केट में 3 तरीके के साबूदाना आते हैं, एक बहुत ज्यादा बड़े वाले, एक मोती वाला, लेकिन हमें ये जो मीडियम वाला साबूदाना है इसका ही यूज करना है। इससे जो हमारी रेसिपी ना काफी टेस्टी बनती है। आप पास से देख लीजिए, इस वाले साबूदाना का यूज करेंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। इस पर हम पानी डालेंगे क्योंकि इस पर काफी जो स्टार्च वगैरह होता है ना, उससे हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। इसको हमने 2 से 3 बार धो लेना है और इसका ये जो पानी ना वो सारा हटा देना है। तो ऐसा मान के चलिए जब तक साफ पानी नहीं निकल आता तब तक हमें इसको धोना है। एक बात मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि मैं खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूं। अब जितना हमने साबूदाना लिया था उतना ही मैंने इस पर पानी लिया, लेकिन हमें पूरा पानी नहीं डालना है। 2 से 3 चम्मच मैंने पानी बचा लिया है। यदि आप देखेंगे तो साबूदाना जितना है ना उतने लेवल तक ही हमें पानी डालना है, इससे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं। कवर करके आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, बस इससे ज्यादा अब आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम गैस पर एक पैन रख देते हैं, कोई हैवी बॉटम पैन लीजिएगा जिसका तला थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब हमने इस पर लिया है मूंगफली, ऐसा मान के चलिए ये 1 कटोरी से थोड़ा कम है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना, हाई बिल्कुल भी नहीं करना। इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। मूंगफली को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये जो ऊपर का छिलका है ना ये निकलने ना लगे। ऐसा मान के चलिए 2 से 3 मिनट में ये मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाती। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा है। देखिए इस तरीके से देखेंगे तो एकदम आराम से छिलका निकल रहा है, गैस को बंद कर दिया था और ये हमारी ना जले। तो इसके लिए मैं इसको एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो इसे ठंडा होने के बाद मूंगफली का जो ऊपर का छिलका है वो हमें निकाल देना है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर मैंने ले लिया है 2 से 3 हरी मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची इस पर नहीं जाएगी। साथ ही ले लिया 1/2 मुट्ठी के करीब हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छे से पॉज कर लिया क्योंकि व्रत के लिए हम इसको बना रहे थे। तो चलिए हरी मिर्ची को हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, थोड़ा फाइनली चॉप कट करिएगा। आप चाहे तो इस रेसिपी में अदरक भी डाल सकते हैं। जो जो आप व्रत में खाते हो वो इस रेसिपी में आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं फाइनली कुछ नहीं डाल रही हूँ। हरी धनिया, हरी मिर्ची के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। कम मसाले, कम सामान में ये रेसिपी काफी टेस्टी बनती। चलिए इसको हम साइड पर रख देते हैं। इधर मैंने ले लिए 3 बड़े साइज के आलू। आलू मैंने पहले से उबाल लिया था, ठंडा कर लिया था। इस रेसिपी में आपको ठंडे आलू का ही यूज करना है, गरम आलू का यूज नहीं करना है। सारे आलू के हम छिलके उतार लेते हैं। देखिए सारे आलू मैंने इसी तरीके से छील लिए हैं। इसे हम साइड कर देते हैं। इधर मूंगफली को दरदरा सा पीस लिया है, इसको भी हम साइड पर छोड़ देते हैं। चलिए अब हम साबूदाना को चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि साबूदाना हमारा अच्छे से फूल गया है। जितना भी हमने पानी डाला था ना वो साबूदाना ने पूरा पी लिया है, एकदम परफेक्ट साबूदाना हमारा सोक हुआ है। चलिए जब हम इस तरीके से हाथों से लेके मैश करेंगे ना तो आराम से ये मैश हो जाना चाहिए। अगर आपका साबूदाना अच्छे से मैश नहीं हो रहा है तो ये साबूदाना हमारा सोक नहीं हुआ। यदि पानी कम है तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल के आप थोड़ी देर के लिए इसको और छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा साबूदाना तो एकदम परफेक्ट सोक हुआ है, इसको अभी हम साइड पर रख देते हैं। मैंने एक बड़ा सा बर्तन, मैंने एक छोटी वाली परात ले ली है। सारे साबूदाना को हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा बड़ा सा ही बर्तन लीजिए। अब जो हमने इस पर हरा धनिया काट के रखा था वो भी हम डाल देते हैं, साथ ही हरी मिर्ची। यदि आप गाजर वगैरह पसंद करते हो ना वो भी आप डाल सकते हैं। जो मूंगफली रोस्ट करके रखी थी इसका पाउडर वो भी हमने डाल दिया, लेकिन आप देख पा रहे हैं दरदरा ही हमने इस पर ग्राइंड किया है। जो आलू है आपको मैश करके बिल्कुल भी नहीं डालना, ये जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है ना इससे आपको ग्रेट करना है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम आलू लच्छा नमकीन बनाते हैं ना तो वो काफी क्रिस्पी बनता है क्योंकि आलू को हम ग्रेट करके डालते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट करके ही डालना। सारे आलू को
मैंने ग्रेट कर लिया है व्रत वाला सेंधा नमक, एक छोटा चम्मच आधा चम्मच जीरा यदि आप व्रत में नहीं खाते स्किप कर सकते हैं, एक चम्मच काली मिर्ची जिसको मैंने फ्रेश ही क्रश किया, इसका टेस्ट अच्छा आता है। यदि आप और जो मसाले व्रत में खाते हो वो डाल सकते हैं। सारी चीजों को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से हमें मैश करना है। साबूदाना जो हमारे अच्छे से मैश नहीं होना चाहिए, साबूदाना का जो दाना है वो साबित रहना चाहिए, बस सारी चीजें अच्छे से मिल जाना चाहिए। आप चाहें तो इसमें टमाटर के बीज निकाल कर टमाटर को डाल सकते हैं, खीरे के बीज निकाल कर खीरा को भी डाल सकते हैं, जो सब्जियां आप खाते हो उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतने कम मसाले में और कम सामान से ये रेसिपी बढ़िया बनती है। देखिए मैंने इसको डो जैसा बना लिया, लेकिन साबूदाना का जो दाना है वो भी हमारा साबित है। तो देखिए ये डो बन गया है, लेकिन थोड़ा सा ये हाथों में चिपकता है, थोड़ा सा स्टिकी रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हाथों पर हल्का सा घी लगा लीजिए, मूंगफली का तेल थोड़ा सा पार्ट लेना है, इस तरीके से हम इसको राउंड करेंगे। अब हमने ले लिया है बेलन, तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया, इस तरीके से हम इस पर बीच पर होल कर देते हैं। इससे जब हम इसको फ्राई करेंगे या तो सैलो फ्राई करेंगे, इससे काफी क्रिस्प बनता है। एक प्लेट पर हम रखते जाएंगे, ये बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, और इससे जो नाश्ता है ना आसपास से ज्यादा लेयर क्रिस्पी होती ना तो टेस्ट भी बढ़ जाता है। बेलन से आप करेंगे ना तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, क्योंकि हमने इस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया, जो शेप है ना वो भी हमें थोड़ा अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से हम अपने सारे नाश्ते को बना लेते हैं। इस नाश्ते की एक खास बात है, इसको आप एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाश्ता लंबे समय तक चले तो आप इसको बना के फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए। ये जो आपका नाश्ता है ना, एक से दो हफ्ते भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। एक दिन की मेहनत पूरे 9 दिन का आराम होगा। इतने में बड़े साइज के मेरे 12 पीस बन गए थे। गैस पर मैंने एक पैन रखा है जो कि थोड़ा बॉटम हैवी है। अब आप चाहें तो मैं आपको 3 से 4 तरीके बताती हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप एयर फ्रायर में इसको थोड़ा सा बेक कर लीजिए, वरना आप मेरी तरह सेलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, या तो तवा पर हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद हो वो आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑयल को हमने अच्छा गर्म कर लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा धुआं नहीं निकल रहा है। गैस का फ्लेम मैंने हाई ही रखा है, लेकिन हाई से थोड़ा सा कम किया है, लेकिन आपको मीडियम भी नहीं करना है। दूरी दूरी पर डाला है, ऊपर से हम इस पर ऑयल चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, ऊपर से जल्दी से सिकने लगते हैं, इनकी लेयर एक ऊपर से पड़ जाती है। जब ये थोड़े से सिक जाते हैं तब हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं। जब तक ये थोड़े से हार्ड नहीं हो जाते तब तक आप इसको टर्न मत करिएगा, और जब लेयर आ जाती है तभी आपको इसकी साइड को चेंज करना है। गैस का फ्लेम मीडियम और आपको स्लो नहीं करना है, इससे ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फटने की चांसेस भी होते हैं। तो हमें इसको बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। इससे फटते भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया इन पर क्रिस्प आता है, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आप देख पा रहे कितने क्रिस्पी कितने करारे ये हमारे बड़े बने हैं। इस पर होल करने से ये होता है कि इनका क्रिस्प और भी ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर से ये कच्चे रहने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। देखिए बहुत ही परफेक्ट ये हमारा बड़ा बनकर तैयार हो गया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है, कितना अच्छा इसका कलर आया, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। सारे बड़े को मैंने ऐसे ही निकाल लिया, बहुत ही मजेदार ये बड़े हमारे बने हैं। आप इसे मीठी चटनी वो भी व्रत वाली, तीखी चटनी वो भी व्रत वाली, मूंगफली की चटनी वो भी व्रत वाली, कोकोनट चटनी वो भी व्रत वाली किसी के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चारी चटनी का वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए कितना जबरदस्त ये व्रत का नाश्ता बना है। मैं अपने बच्चे और हस्बैंड की बताऊं तो भाई उनको सॉस या तो फिर मीठी चटनी ऐसे नाश्ते के साथ अच्छी ही लगती। आप देख पा रहे हैं कि बाहर से काफी क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट, साबूदाना की जो दाना है ना आपको क्लियर दिख पा रहा है, लेकिन परफेक्ट कुक हुआ। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।